तो देखिए, चिराग पासवान बहुत कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। उनकी जिस तरीके की राजनीति रही है वो भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि मेरा समर्थन अपने प्रधानमंत्री को है। और प्रधानमंत्री ने भी नई सरकार को बधाई दे दी है, ट्वीट उनका सामने आ गया है। बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब जो है शुभकामनाएं दे दी हैं इस नई सरकार को, और ये नई सरकार अब आगे कैसा काम करेगी और कितने दिन तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं, इस प्रश्न का जवाब तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के पास हालांकि नहीं रहेगा। श्याम सुंदर जी, देखिए, आप लोग भी समर्थन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं, आपका समर्थन भी बीजेपी के साथ ही है, आप लोग कैसे माने या आप लोगों के लिए कैसा फैसला है कि नीतीश कुमार अब आपके सहयोगी हो गए हैं, जिनको छोड़कर आप आए थे एनडीए में शामिल होने? देखिए, आपने जो सवाल किया, निश्चित तौर पर हमारा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम एनडीए के पुराने एलाई और एनडीए के अभिभावक, एनडीए के सर्वमान्य नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो यह तो स्वाभाविक है कि हम लोगों की जिसके साथ कमिटमेंट है तो हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे ना। बाकी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है, इस बिहार में जंगल राज से मुक्ति के लिए उनको नेता बनाया, हम सबों ने उसके लिए कड़ी मेहनत की, बहुत लोगों ने त्याग तपस्या और बलिदान दिए। तो हम लोग कैसे चाहते कि किसी जंगल राज के उसी खलनायकों के साथ नीतीश कुमार जी खड़े रहे जिसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी जवानी और अपने बहुत तरह की कुर्बानी दी। तो होता है कभी कभी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, हम लोगों ने उस समय भी आगाह किया था मुख्यमंत्री जी को कि आप भ्रष्टाचार के उस पुरोधा की गोद में जा रहे हैं जिसके पास केवल और केवल राजनीति का मॉडल अगर कुछ है तो वो देश की जनता को लूटने का मॉडल है, और अपने बच्चों अपने परिवार के प्रति। अब श्याम सुंदर जी, आज आपके भी सिर्फ थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं, कितनी बार मेरे साथ ही डिबेट्स में आप नीतीश कुमार को ना जाने क्या क्या कहकर गए हैं, उनकी बीमारी का जिक्र आप लोग करते हैं, आपको आपको याद होगा उनको क्या मानसिक दिवालियापन हो गया ये तक आप लोग कहते हैं, आज आपको वो अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि जंगल राज खत्म कर सकते हैं आपके साथ आकर, कैसे बदलाव आ जाता है इतनी जल्दी? प्रधानमंत्री जी के आभा मंडल में ये शक्ति है कि हम लोग ही बिहार के जंगल राज को खत्म कर सकते हैं। और मैंने आपके ही चैनल पर कहा था, अगर आप उसको निकालेंगे, मेरे पास तो वो लिंक भी है, मैंने कहा था आपको कि नीतीश कुमार जी वापस इस गठबंधन में आएंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल का वर्क कल्चर है आप देख लीजिए ना, पांच पांच विभाग लेकर पड़े हुए थे तेजस्वी यादव, उनका वजन तो हमको लगता है 20-25 किलो बढ़ गया, लेकिन उनके विभाग का क्या हाल है इसका वो श्वेत पत्र नहीं जारी कर सकते। शिक्षा विभाग की बहाली को लेकर के वो ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन जब से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनका एक रिकॉर्ड नहीं को जनता से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से। अब आप कुछ भी कहें श्याम सुंदर जी, तेजस्वी यादव तो आज भी मीडिया के सामने आए, काम की बात कर रहे हैं, थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जो बात अभी तक आप कहते थे ना मुख्यमंत्री को लेकर, वही अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बस चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, पार्टी का नाम बदल गया है। मैं मेरे पास कल तक तो कह रहे थे कि उनके निर्देश में उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, और खुद जाकर ऑस्ट्रेलिया में रील्स बना रहे थे, यही तो उनका काम था।